से प्राणियों से निवेदन करना चाहता हूं, से प्राणियों से मेरा निवेदन है, या जननी जननी करते हैं, जननी मत बनो, माता बनने का प्रयास करो। माता, माता की क्या परिभाषा है? वो जननी जो अपनी संतानों का कृपा पूर्वक पालन करती है, वो माता है। स्वार्थ के लिए संतानों का पालन मत करो। बेटा है ये कमा के देगा, इसलिए बेटे को दूध का गिलास हमारे चुपड़ी रोटी दे, और बेटी को कह दे बेटा साग तो खत्म होगा, चिटनी बांट दे। ये स्वार्थ बुद्धि है, ये माता की बुद्धि नहीं है। माता की बुद्धि है सब परिवार का कृपापूर्वक पालन करो, केवल संतानों का ही नहीं। जब केकई वरदान मांगती है दशरथ जी से, भरत के लिए राज और राम जी के लिए वनवास, तब दशरथ जी विलाप करते हैं। दशरथ जी कहते हैं मैं उस कौशल्य को कैसे मुझे दिखाऊंगा, उसने माता की तरह मेरा पालन किया। परिवार के सारे सदस्यों का बिना किसी स्वार्थ के पालन करे वो माता है। आज इस परिभाषा से बोले तो आपको एक भी माता नहीं मिलेगी, सब जननियां हैं। जननी तो भैंस भी है, लेकिन भैंस को कोई नहीं पूछता, गाय को पूछते हैं, क्योंकि तो गाय के अंदर आत्मीयता। ये आत्मीयता ही स्त्रियों को त्याग सिखा सकती है। आज महिलाओं में त्याग खत्म हो गया, इसलिए परिवारों के विभाजन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। पहले हमारे यहां एक बैठने के डॉक्टर थे, वो कहते थे एलोपैथी का डॉक्टर होने में क्या कठिनाई है, आदमी मर जाए तो घरवाले रोने पीटने में लग जाते, लेकिन भैंस मर जाए तो काश का रक्त लेके आता है, सिर फोड़ने लेकर तो मेरी 5,000 की भैंस मार दी। उस जमाने में 5,000 में आती थी, आज तो 50,000 60,000 लाख में भैंस आती। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज परिवार के आदमी की वैल्यू पशु से भी कम हो गई। आदमी मर जाता है, डॉक्टर के लड़ने के लिए उसका सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाश को सड़क पर डाल करके कहते हैं पैसे दो। ये पशुता है या मनुष्यता है? तो ये जो चीज पैदा हो रही है वो घर में से भाव के उठ जाने के कारण से हो रही है। माताओं का ये कर्तव्य है कृपा पूर्वक परिवार का पालन करें, किसी से कोई इच्छा रख करके परिवार का पालन नहीं करें, कर्तव्य समझ के परिवार का पालन करें। दूसरी बात जो मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं वो ये है, शिक्षित होना चाहिए महिलाओं को, लड़कियों को, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य गुलामी को पालना नहीं है। आज चाहे पुरुष हो चाहे लड़कियां हो, सबके पढ़ने का उद्देश्य है नौकरी मिल जाए। आज की लड़कियां पढ़ करके नौकरी जाती हैं, हमारे घरों की महिलाएं नौकर नहीं थी, घर की रानी थी, घर की स्वामिनी थी, घर की मालिक थी, और अब वो उस मालिकाना हक को ठोकर मार करके और किसी के यहां नौकरी करके अपना पेट भरना चाहते हैं पढ़ी लिखी लड़की। इस मनोवृत्ति को घरों में से निकालना पड़ेगा। नौकरी हमारा धर्म नहीं है, महिला का कर्तव्य है। इस पूंजीवाद से केवल महिलाएं लड़ सकती हैं। इस पूंजीवाद ने सारी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया और सारी दुनिया को दूषित बना दिया।
पूंजीवाद का मतलब है बाजारवाद, हर चीज बाजार से लिया। पहले हमारे घर में बाजार से कोई चीज नहीं आती, चाहे देवता को पूजने की चीज हो, चाहे देवी को पूजने की चीज हो, चाहे भोमिया जी को पूजने की चीज हो, चाहे घर में साग सब्जी बनाने की चीज हो, घर में आए हुए मेहमान को खिलाने के लिए कोई भी चीज पहले बाजार से नहीं आती, सब चीज घर से बनती थी। और आज हर चीज बाजार से गया। ये बाजारवाद पूंजीवाद का आश्रय देने वाला है, इस बाजारवाद को खत्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, हर चीज घर के अंदर पैदा करनी पड़ेगी। कपड़े घर में नहीं सी सकते, 10 तरह की सब्जियां घर के अंदर तैयार नहीं कर सकते। कहते हैं बच्चे के लिए हाथ सूखा और बालक भूखा, बच्चे को दिन भर खाने के लिए चाहिए। आपके घर के अंदर 2 टाइम रोटी बनती है, इसके अलावा आपके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। अब ये बच्चे क्या करते हैं, दिन भर पैसे दो बाजार में। आपके पास अगर घर में खिलाने के लिए 10 तरह की चीज हो तो बच्चा क्यों जाएगा बाजार के अंदर। इस बाजारवाद के जनक आज हमारे घर की चित्रानियां, इस बाजारवाद का नाश करने के लिए घर को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। हम स्वावलंबी बने, आत्मीयता पैदा करें बिना स्वार्थ के, अपनी संतानों और परिवार का पालन करें, तो इस समाज को निश्चित रूप से उठना पड़ेगा।